तो यूरोपियन टेक्निक से हम जो कैबिन लगाते हैं इस पे, मान लीजिए आप 1000 RPM पे चला रहे हो, अगर एसी ऑन हो गया तो 996 रह जाएगा, सिर्फ 4 RPM लो सर। हाँ जी, 4 चक्कर दौड़ेगा ट्रैक्टर। गाड़ियों के ऊपर जो कंप्रेशर होता है टॉप सेंटन 507 हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, तो उसके हिसाब से ट्रैक्टर बहुत बड़ी चीज़ है। 15 फरवरी तक ही है, उसके बाद इसके जो प्राइस हैं उसमें कस्टमर डिमांड को देखते हुए 20,000 रुपये हमें प्लस करना पड़ रहा है जी। तो नमस्कार दोस्तों, तो जो किसान भाई एसी वाला ट्रैक्टर देख के जी ये सोचा कि मैं भी अपने ट्रैक्टर पे एसी लगवा लूं, या लगवाने का दिल कर रहा है तो समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से लगवाएं, किस कंपनी से लगवाएं, और अगर लगवा भी लिया तो लगवाने के बाद उसके अंदर आपको क्या सुविधा मिलती है और क्या कॉम्प्लिकेशन सामने आती हैं जी, तो वो पूरी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से दूंगा मैं आपको। और ये भी बताऊंगा कि आप कहां से बढ़िया एसी केबिन कितनी कीमत पे लगवा सकते हैं जी, और उसमें लगवाने के बाद आपके ट्रैक्टर के फ्यूल कंजप्शन के ऊपर, उसके ट्रैक्टर के ऊपर लोड के ऊपर क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, कितने RPM वगैरह वो ड्रॉप करेगा या नहीं करेगा, तो पूरी जानकारी मैं आज आपको एक इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो मेरे साथ हैं सर, तो इनसे ही बात करेंगे जी। मेरा नाम गुरदीप सिंह है, गोल्ड कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। तो जैसे कि आपको पता ही है हमारा ऑप्शनल ऐसा है कि जॉन डियर हो गया, जैसे 5405 हो गया, 5310, 5210, और जो इसका ई सीरीज़ वाले ट्रैक्टर है जैसे 5075, 5060 हो गया, हॉलैंड के कुछ मॉडल शामिल किए हैं जैसे स्पेशल एडिशन 3630 और जो प्लस है 3630 वो वाला, और जो 5620 है, एक फोर्ड 3600 जो पुराना मॉडल था, ओल्ड मॉडल। हाँ जी हाँ, जो मॉडिफाई के इन अभी फ़िलहाल इन्हीं के ऊपर हमारी अवेलेबिलिटी है कैबिन की। तो यूरोपियन टेक्निक से हम जो कैबिन लगाते हैं इस पर, इसका खर्चा सर ऐसे है 2,75,000 तो मिनिमम खर्चा रहता है जी, उससे ज़्यादा जब आप टॉप मॉडल तक पहुँचते तो 3,20,000 रुपये इसका खर्चा हो जाता है, जो कि 15 फरवरी तक ही है, उसके बाद इसके जो प्राइस हैं उसमें कस्टमर डिमांड को देखते हुए 20,000 रुपये हमें प्लस करना पड़ रहा है जी, इंक्रीज़ कर रही है। हाँ जी हाँ, 20,000 रुपये इंक्रीज़ कर रहे हैं। एसी लगवाने के बाद कुछ कंपनी फिटेड हैं जी, चलो उनका तो हम अंदाजा लगा नहीं सकते भी क्या सिस्टम रहेगा फ्यूल कंजप्शन का, तो इनके फ्यूल कंजप्शन के ऊपर फर्क पड़ता है या नहीं? सर जैसे कि आपको पता है ये ट्रैक्टर है ना, गाड़ियों के ऊपर जो कंप्रेशर होता है टॉप सेंटन 507 हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, तो उसके हिसाब से ट्रैक्टर बहुत बड़ी चीज़ है, इसका हॉर्स पावर रहता है बहुत ही अच्छा रहता है, तो इसमें कोई फ्यूल का कंजप्शन ज़्यादा का कोई चांस नहीं, कोई लोड नहीं लेता ट्रैक्टर इस पर, मतलब इस चीज़ का कोई फैक्टर नहीं है, जैसे खाली ट्रैक्टर चल रहा है वैसा एसी लगा के कोई इशू नहीं है। आरपीएम ड्रॉप करने की कोई समस्या जी? देखिए जी, सिर्फ 4 RPM, मान लीजिए आप 1000 RPM पे चला रहे हो, अगर एसी ऑन हो गया तो 996 रह जाएगा, सिर्फ 4 RPM लो सर। हाँ जी, 4 चक्कर दौड़ेगा ट्रैक्टर जी। हाँ जी, कोई फैक्टर नहीं है फ्यूल कंजप्शन के ऊपर जी, बिल्कुल नॉर्मल जो फ्यूल होता है वैसे ही। सर वो सर आपको बता दे, वैसे तो हमारा चैलेंज है ये कोई डस्ट, ये डस्ट फ्री है, हीट फ्री है, नॉइज फ्री है, लेकिन फिर भी हम आने वाले समय में, कोई टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इसकी लाइव टेस्टिंग भी हम कस्टमर्स को हमारे ऑफिशियल जो पेजेस हैं गोल्ड स्टार समाना पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सभी जगह हम लाइव टेस्ट इसका करेंगे एक बार तो निकल जाए। वैसे फिलहाल हमारे जितने कैबिन चले हैं किसी में कोई समस्या आई नहीं है ऐसी। तो सर आपको बता दें, सबसे पहले तो हमारा गोल्ड स्टार समाना सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन हमारा हेल्पलाइन नंबर 9872037100 है जी, आप वहाँ पे हमें कॉल कर सकते हो। तो लोकेशन बता देते हैं, हमारा पटियाला डिस्ट्रिक्ट है जी पंजाब में, समाना सिटी पड़ता है, तो समाना सिटी से जब पात्रा समाना पात्रा रोड है, वहाँ पे गांव अमरसर चक है, उस गांव में आप पहुँचोगे तो आपको वहाँ पे हमारे जो बोर्ड्स लगे हुए हैं, होर्डिंग्स लगे मिल जाएंगी, आप इजीली हमारे पास विजिट कर सकते हो जी।
ये थी जी, अगर आप अपने ट्रैक्टर पे एसी लगवाना चाहते हो तो गोल्ड स्टार समाना के नाम से कंपनी है जी, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर वगैरह उनका, सोशल मीडिया के जो साइट है वगैरह भी सब आपको इसके अंदर मिलने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। नमस्कार।